दोस्तों, क्या आपको पता है कि बिना सीमेंट के ताजमहल कैसे बनाया गया? जबकि आज तक तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और पुल वगैरह सीमेंट से ही बनते हैं और 100-100 सालों तक खड़े रहते हैं, लेकिन ताजमहल तो बिना सीमेंट के बनाया गया है। तो फिर कैसे वो करीब 350 सालों से इतनी मजबूती से खड़ा है? फिर चाहे कितना ही बड़ा भूचाल आ जाए, चाहे कोई भी नेचुरल डिजास्टर हो जाए, ताजमहल वहीं का वहीं खड़ा है। आखिर कैसे? और क्या आपको पता है कि उस समय ताजमहल कितने रुपयों में बनाया गया होगा? क्यों ताजमहल को यमुना नदी के किनारे बनाया गया? और साथ ही में आप ये भी जानोगे कि क्यों ताजमहल में आज तक लाइट्स नहीं लगाई गई। बस आप वीडियो के लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए और नए यूजर इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हर साल लाखों की संख्या में लोग इस अजूबे को देखने आते हैं। आपको इसकी हिस्ट्री का तो पता ही होगा कि कैसे शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज के लिए इतना बड़ा मॉन्यूमेंट खड़ा कर डाला। उन्होंने अपने प्यार को मुमताज की मौत के बाद एक्सप्रेस किया था। लेकिन दोस्तों, ये बिना सीमेंट के आखिर इतना बड़ा मॉन्यूमेंट खड़ा कैसे हो गया? जबकि सीमेंट का आविष्कार 1824 में एस्पदिन नाम के एक इंटेलिजेंट इंसान ने किया था, जो कि इंग्लैंड में रहते थे, और इन्होंने ही दुनिया का सबसे पहला सीमेंट का कंपनी बनाया, जिसका नाम था पोर्टलैंड सीमेंट। और ताजमहल का कंस्ट्रक्शन 1631 में शुरू हुआ और 1648 में जाकर ख़त्म हुआ, लेकिन बिना सीमेंट के ही ये खड़ा हो चुका था, जिसे आज तक एक भी खरोच नहीं आई। दरअसल सीमेंट के इन्वेंशन से पहले आर्किटेक्ट एक खास तरह के पेस्ट का इस्तेमाल करते थे, जिसमें बहुत अजीब अजीब चीज़ें होती थी। और अगर ताजमहल के कंस्ट्रक्शन की बात करें तो इसमें बहुत सारे सेमी प्रीशियस स्टोन्स जैसे कि अकीक, येमेनाइट, फिरोजा, लजवाड, मूंगा, सुलेमैनी, लहसानिया, तमरा, ये सब पत्थर यूज़ होते थे, जो कि बहुत ही रेयर स्टोन्स थे। और ये उस समय रशिया, राजस्थान, उज़्बेकिस्तान, ईरान, इज़राइल, इन सब तरह के दुनिया भर के अलग अलग देशों से मंगाए गए थे। इसमें कुछ अल्ट्रा रेयर स्टोन्स भी यूज़ हुए थे, जैसे कि तिलाई, पाईजहार, अजूबा, नखोड़, जो कि इतने रेयर हैं कि पता नहीं शाहजहां ने इन्हें कैसे अरेंज किया होगा। लेकिन जो भी उन्होंने किया वो तो एक काबिलियत तारीफ है। और तो और, जो सीक्रेट पेस्ट ताजमहल को बनाने में इस्तेमाल होता था, उसमें गुड़, बतासा, बेलगरी का पानी जैसी और भी बहुत सारी चीज़ों को डालकर पेस्ट बनाया जाता था। और ये पेस्ट सीमेंट जितना ही स्ट्रॉन्ग होता था। दोस्तों, जहां बुर्ज खलीफा की नींव बड़े बड़े स्टील के पाइप से रखी गई, वहीं ताजमहल की नींव लकड़ियों से रखी गई थी। अब आप कहीं ये तो नहीं सोच रहे कि भला लकड़ी की नींव 370 साल से कैसे चल रही है? दरअसल इसमें सबसे बड़ा रोल यमुना नदी का है। यमुना सिर्फ ताजमहल को अच्छा व्यू ही नहीं देती, बल्कि अगर यमुना नदी ना रहे तो ताजमहल गिर भी सकता है। इसमें होता यह है कि पहले के इंटेलिजेंट लोगों ने इसमें ऐसी लकड़ी का इस्तेमाल किया जिसमें चाहे जितना भी पानी लगता रहे, वो लकड़ियाँ और भी स्ट्रांग होती चली जाएंगी, वरना बाकी लकड़ियाँ नमी की वजह से खराब हो जाती हैं। और यही वजह है कि ताजमहल के खड़ा रहने में यमुना नदी का बहुत बड़ा हाथ है। और अगर यमुना नदी सूख गई तो ताजमहल भी उसके बिना खड़ा नहीं रह पाएगा। अब दोस्तों, आपने देखा होगा कि ताजमहल के आसपास के चारों मीनार एक दूसरे से परपेंडिकुलर खड़े नहीं हैं, मतलब ये कि वो स्ट्रेट नहीं खड़े हैं। और ऐसा भी जानबूझकर किया गया था। दरअसल ऐसा इसलिए किया गया कि अगर कभी जोर का भूकंप आता भी है तो वो चारों मीनार ताजमहल से दूर गिर जाए, और इस तरह भूकंप के झटके ताजमहल तक पहुँचने से पहले इन मीनारों में ही ऑब्जर्व हो जाए, और इस तरह इस पर भूकंप का भी कोई असर नहीं होगा और वो सुरक्षित बच जाएगी। अब दोस्तों, बात करते हैं कि ताजमहल को आखिर उस समय बनाने में कितना खर्चा आया होगा। आप जानते हैं कि उस समय एक रुपए की कीमत भी बहुत ज़्यादा होती थी, और अगर इन्फ्लेशन के हिसाब से देखें तो आज ताजमहल की कॉस्ट आती है अप्रोक्स 1 से लेकर 2 बिलियन डॉलर्स, यानी करीब 8,000 करोड़ से लेकर 10,000 करोड़ तक इस मॉन्यूमेंट को बनाने में खर्चा हुआ है। अब दोस्तों, ताजमहल में लाइट क्यों नहीं लगाई गई, क्या आप जानते हैं? दरअसल ताजमहल का सफ़ेद रंग लाइट को सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है, और इसीलिए अगर रात के समय ताजमहल पर लाइट्स लगा दी गई तो ताजमहल के पत्थर लाइट को रिफ्लेक्ट करेंगे, और साथ ही में ताजमहल भी काफ़ी ज़्यादा चमकेगा, जिससे आसपास के कीड़े मकोड़े उस पर आके चिपकेंगे और ताजमहल के पत्थर को भी नुकसान पहुँचाएंगे। और यही वजह है कि आज तक ताजमहल पर लाइट्स नहीं लगी। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।